कोविड महामारी की वजह से खेल गतिविधियां पूरी तरह से शून्य होकर रह गई थी, लेकिन अब हालात सुधरने पर खेल गतिविधियों के लिए भी बढ़ावा दिया जाने लगा है। इसी के चलते हमीरपुर सीनियर सेकेंडरी बॉयज स्कूल खेल मैदान परिसर में कोविड प्रोटोकॉल के तहत हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल के साथ एथलेटिक खेलों के लिए प्रैक्टिस शुरू की गई है, जिसमें खिलाड़ी भी बड़ी खुशी से मैदान में आकर प्रैक्टिस करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। प्रैक्टिस करवा रही हॉकी कोच तभी चौहान ने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन के शुरू होने से अब खेलों को भी शुरू किया गया है। हॉकी कोच तभी चौहान ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही खिलाड़ियों को प्रैक्टिस में भाग लेने दिया जा रहा है और कोविड काल के दौरान खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने में दिक्कतें पेश आ रही थी, लेकिन अब कोविड प्रोटोकॉल के तहत प्रैक्टिस को शुरू करवाया है, जिससे आगामी सत्र में खिलाड़ियों को तैयार करने में मदद मिलेगी। सर, एक्चुअली पहले ऐसा था कि कोविड 19 की वजह से हमारे सेशंस नहीं चल पा रहे थे। पेरेंट्स थोड़ा अवॉइड कर रहे थे कि बच्चों को गैदरिंग में हम इंक्लूड करें, तो जैसे ही अभी थोड़ा सा वैक्सीनेशन का भी हमें थोड़ा सा पता चल गया है कि हो गया ऐसा, तो उसके बाद अब पेरेंट्स थोड़ा थोड़ा बच्चों को हमारे पास भेजने लगे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो इतना टाइम में गैप पड़ गया था, बच्चों की ढंग से ट्रेनिंग नहीं हो पाई थी, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, तो उस टाइम को हम कवर करें और बच्चों को अच्छी प्रैक्टिस करवाएं, ताकि ये लोग अभी आने वाले टाइम में अपने स्कूल का, अपने नेशन का और अपना नाम जो है रोशन कर सकें। सर, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम बच्चों को जब यहाँ पर हमारे पास आएँ तो उनका टेम्परेचर मेजरमेंट करें पहले, और सैनिटाइज़र इनके पास, इनको बोल दिया गया है कि अपने अपने सैनिटाइज़र पर्सनल लेके आएँ, तो सैनिटाइज़र ये लोग लेके आ रहे हैं। और बाकी कोशिश करेंगे कि इक्विपमेंट्स जो है हमारे, उनको भी हम सैनिटाइज करके ही बच्चों को प्रोवाइड करवाएं। खिलाड़ियों ने बताया कि लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया था और खेलें नहीं हो रही थी। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि खेलों के लिए प्रैक्टिस शुरू होने से सभी खिलाड़ी बहुत खुश हैं। खिलाड़ियों ने बताया कि खेलों के लिए प्रैक्टिस शुरू होने से अब अच्छे से खेलों में प्रदर्शन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि खेल विभाग द्वारा दिए गए सभी कोविड नियमों का पालन करते हुए प्रैक्टिस में हिस्सा लेंगे। जैसे कि कोविड 19 के चलते हुए सब कुछ बंद हो गया था, पूरा लॉकडाउन हो गया था, और जैसे हमारे खेल हैं वो भी बंद हो चुके, कोई खेल नहीं रहा था। तो जैसे अब कोरोना का खतरा जो कम हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि इधर ग्राउंड फिर से खुल गए हैं, सभी लोग अच्छे से प्लेयर जो है खेल रहे हैं, तो मुझे भी खुशी है कि जो ग्राउंड है वो खुल गए हैं और सभी खेल रहे हैं। और मैं एक हॉकी प्लेयर हूँ, मैंने आज कुछ दिन पहले से ही शुरू की थी हॉकी खेलने। मैम से हमने बात की थी हॉकी की, तो मैम ने बोला था कि हम सिखा देंगे कि, तो मुझे खुशी है कि गेम जो है वो खेल रहे हैं सभी। सर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कोविड के चलते सर सभी खेल बंद हो चुके थे, और जैसे कि हम हॉकी खेल रहे हैं, तो सर मेरे को बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं हॉकी खेल रहा हूँ, मैं हॉकी का प्लेयर बन रहा हूँ, और सर मैं अपना देश, विदेश, प्रदेश सभी का नाम रोशन करना चाहता हूँ, अपने टीचर्स का, अपने माता पिता का नाम ऊँचा करना चाहता हूँ सर। तो सर हम अपनी सेफ्टी रखेंगे और हम सैनिटाइज़र, मास्क लगा के खेलेंगे। अगर हमें कोई रेस्ट टाइम मिलता है तो हम कहीं दूर जाके मास्क खोल सकते हैं 10 मिनट या 5 मिनट के लिए, ज्यादा समय नहीं। जिला खेल अधिकारी रविशंकर ने बताया कि कोविड काल के चलते खेलों को पहले बंद कर दिया था, लेकिन अब प्रैक्टिस शुरू करवा दी है। उन्होंने बताया कि विभाग के 4 कोचों के द्वारा प्रैक्टिस करवाई जा रही है और खेल गतिविधियों के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जैसा कि विदित है कि काफी समय से कोविड के चलते जो कि हमारे प्रशिक्षण थे वो बंद चले थे, उनको अभी पिछले हफ्ते से यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। और आज मैंने देखा कि यहाँ पे जो हमारे हॉकी के कोच हैं तवी चौहान जी, यहाँ पे गर्ल स्कूल के, बॉय स्कूल के और बच्चे भी आज यहाँ पे हैं, और आशा है कि भविष्य में ऐसे ही जो हॉकी के लिए योगदान है हमारा वो ऐसे ही रहेगा और बच्चे बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें। जैसे कि इसी के साथ हमारे यहाँ पे कार्यालय में 4 कोच हैं जो कि एक हॉकी के हैं, वॉलीबॉल के सेशन भी यहाँ पे चलना शुरू हुए हैं, कबड्डी के भी सेशन वैसे सुचारू रूप से चल रहे हैं, और जो एथलेटिक कोच हैं जो कि सिंथेटिक ट्रैक अनु में है वो वहाँ पे अपनी सेवाएं रात दिन दे रहे हैं। कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का जो है उसमें मास्क का थोड़ा रखा गया है, सैनिटाइजर का है, कि बच्चे अपने आप में जागरूक रहें ताकि जो कोविड के चलते जो महामारी थी उसको दूर रखा जाए। उसमें हमारे जो प्रशिक्षक हैं वो काफ़ी देख रेख रखेंगे कि कोविड का भी इसमें ध्यान रखा जाए।